हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपिका चौधरी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल ऑल इन फॉर हिंदी में। सुशांत सिंह राजपूत यानी SSR की मौत को लेकर बहुत से सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। पहले तो ये बताया जा रहा था कि ये किसी बॉलीवुड से जुड़े लोगों द्वारा किया गया कत्ल होगा। ये केस अब मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बीच से हटाकर सीधे CBI को सौंप दिया गया है, ताकि जल्द से जल्द ये पता चल सके कि SSR की आत्महत्या क्या है या उसका मर्डर हुआ है, और ये किसने और क्यों किया है, इसके पीछे सामने वाले का मोटिव क्या था। इसमें सबसे ज्यादा जो आशंका जताई जा रही है, ये बताया जा रहा है कि इसमें सबसे बड़ा हाथ रिया चक्रवर्ती का है, जो फिलहाल वर्तमान समय में उनकी गर्लफ्रेंड थी, जो उनके साथ वहां पर रहती थी। CBI और ED द्वारा रिया चक्रवर्ती और उनके दोस्तों, साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत के दोस्तों के साथ भी पूछताछ की जा रही है। रिया चक्रवर्ती को लेके एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, और वो खुलासा है उनकी कमाई को लेकर। बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती साल में सिर्फ 10 से 12 लाख ही कमा लेती थी। इसके बावजूद मुंबई में दो उनकी प्रॉपर्टीज हैं जो करोड़ों की है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये पैसा किसका है? कहीं ये पैसा सुशांत का तो नहीं है, या रिया किसी को चूना तो नहीं लगा रही थी? इनकम टैक्स रिटर्न से पता चला है कि रिया की कमाई 10 से 12 लाख थी, जो बाद में होकर 14 लाख हो गई। ईडी को ये पता चला है कि रिया चक्रवर्ती की इतनी कम कमाई के बावजूद उन्होंने मुंबई में दो प्रॉपर्टी खरीदी हैं, और बताया जा रहा है कि जो प्रॉपर्टीज करोड़ों की है। इन प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी रिया ने अपने नाम खरीदी है और दूसरे उनके घर वालों के नाम दर्ज की गई है। ईडी ने इन प्रॉपर्टी के कागजात उनसे मंगवाए हैं। सुशांत के ही पैसों पे रिया अय्याशी करती थी, ये बात का खुलासा तो बहुत पहले हो चुका है, लेकिन रिया के माँ और भाई भी सुशांत के पैसों पे मौज किया करते थे। 3 माह में ही रिया ने सुशांत के अकाउंट से 3 करोड़ रुपए खर्च किए थे। पूजा कराने के नाम पर सुशांत के खाते से कई लाखों रुपए निकाले गए, लेकिन कोई भी पूजा नहीं हुई। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह, जिन्होंने पटना में केस दर्ज कराया, उन्होंने आरोप लगाया कि रिया ने सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया है। इसके अलावा सुशांत के पैसे से रिया के भाई ने एक कंपनी भी खोली है। दोस्तों, हमसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो भी सच्चाई है वो बाहर आए, और जल्द से जल्द SSR को न्याय मिले। अब ये जांच CBI के हाथ में है। हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द CBI सारे चीजों को साफ सुथरा बता दे लोगों को, कि असल में क्या हुआ है, किन जिन जो की पुलिस ने FIR दर्ज नहीं कराई है, या किस चीजों को छुपाया गया है। ये सारे खुलासे जल्द से जल्द हो, ताकि सुशांत सिंह के फैंस को और भी खुशी हो ये जानकर कि आखिर उनकी जीत हुई है और सुशांत सिंह राजपूत को जल्द ही न्याय मिले। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। वीडियो में दी गई जानकारी के लिए आपकी कोई भी राय तो मैं जरूर कमेंट करें। ये वीडियो दूसरों तक जरूर शेयर कीजिए। अब तक आपने बाकी खबरों के लिए, जैसे कि राजनीतिक, खेल जगत, बॉलीवुड जगत और राजनीतिक जगत से जुड़ी और नई दुनिया से जुड़ी खबरें देखने के लिए हमारा चैनल ऑल इन फॉर हिंदी सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।